गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं बैथ्स एडुकेयर का यूट्यूब चैनल और मैं आपके बीच आपका गाइड इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो पिछले लेक्चर वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज का प्रूफिंग कराया गया था और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया गया था, फिर होमवर्क दिया गया था। तो जो होमवर्क किया है वो अपना चेक कर लेगा कि सही किया या गलत किया है। तो होमवर्क जो था साइन क्यू एक्स कॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स 0 to π/2। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एकदम फिर से देखो कैसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। 0 to a रहे और f(x) रहे, यही प्रॉपर्टी बताया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन भी है 0 to π/2, इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ 0 है तो 0 है और यहाँ a है तो यहाँ π/2 है। मतलब पहले हम लोग इस पे ट्राई करेंगे, जब भी 0 to a 0 to something कुछ क्वेश्चन हो तो हम लोग यही प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि अपर में से वेरिएबल घटाया जाए ये -x और वहीं आ जाए तो इसको इसे लिखते हैं ना 0, इसको हाफ कर दें ये π/2 और यहाँ 2 लिखते हैं और f(x) dx। यदि घटाने पे निगेटिव आ जाए f(x) -f(x) में बदल जाए तो 0 हो जाता है। और ऐसा भी केस आता है कि इसमें से इसको घटाया जाए तो कभी ना ही f(x) आता है और ना ही -f(x) आता है। तो इस कंडीशन में तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, तब आपको क्या करना है ना, इसको i ले लेना है 0 to a f(x) dx, इसको एक नंबर इक्वेशन, और फिर इसमें से घटाकर a में से x को घटाकर, ये प्रॉपर्टी भी होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन बनाना है और देखना है कि दोनों को ऐड करने पे कैंसिल हो रहा है या इजी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मोस्टली इजी बन जाता है या कैंसिल हो जाता है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ जो फंक्शन है ना, यहाँ यहाँ जो dx के छोड़ के बाकी सब f(x) हो जाता है, तो हमको करना है क्या ना, π/2 में से घटाकर रफ में देखना है। जैसे साइन है तो यहाँ q है, अंदर में केवल x को घटाना है, फिर यहाँ साइन q है, फिर अंदर में अपर π/2 में से x को घटाया गया, फिर यहाँ cos q है, मतलब जहां जहां x रहे ना वहां अपर लिमिट से घटा लेना है। तो देखिए क्या आया, साइन 90 -थीटा होता है ना कोस थीटा, और क्यू है तो क्यू हो गया, फिर साइन 90 -थीटा क्या होता है कोस थीटा, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब हो गया, और फिर यहाँ कोस है तो कोस 90 -थीटा साइन थीटा, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब आ गया। तो देखिएगा ध्यान से, पहले क्या था ना, पहले ये था, जब घटाया गया तो क्या आया, ये आया। तो देखिए सॉरी देखिएगा कि क्या यही आया है, नहीं आया है, क्या इसका निगेटिव आया है, तो नहीं आया। निगेटिव आता तो इसमें माइनस लगता, बट यहाँ चेंज हो गया ना, यहाँ साइन क्यू यहाँ कॉस क्यू हो गया, और नीचे का सेम है बट ऊपर का चेंज हो गया, तो ये प्रॉपर्टी फेल कर गया। यदि अगर यही आ जाता ना घटाने के बाद, ये रफ में करना है जो भी इस 0 to a रहे, तो इससे करने के बाद देखना है क्या आ रहा है, जो आया वही आ जा रहा है क्या, अगर वही आ जा रहा है ना तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर उसका निगेटिव आ जाए ना या माइनस तो 0 हो जाएगा, यदि ना ही वही आए ना ही इसका निगेटिव आए तो फिर इक्वेशन बना लेना है। तो यही सेम केस हो रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा है कोई दूसरा आ रहा है, तो एक नंबर इक्वेशन बना लेते इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक नंबर इक्वेशन बना लेंगे।
एक नंबर बन गया ना, और उसके बाद फिर इसमें से घटाकर एक दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, इसको आई ले लेंगे ना, क्योंकि दूसरा कुछ आ गया, 0 to π/2, यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, यहाँ क्यूब है डी एक्स, फिर यहाँ साइन है, यहाँ क्यूब है, घटाइए π/2 माइनस एक्स, जहां जहां वेरिएबल है उसमें उसको घटाना है अपर लिमिट से, तो क्या आ जाएगा ना हम लोगों का, 0 to π/2, यहाँ आ जाएगा sin 19 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब हो गया, फिर यहाँ sin 90 माइनस थीटा तो कॉस क्यूब एक्स, cos 90 माइनस थीटा तो साइन एक्स, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब हो गया, और dx है तो dx, ये दूसरा नंबर रूल बोलता है ना, घटाने के बाद दूसरा जो आएगा उसको दूसरा ले लेना है। अब आप देखो, अगर दोनों को ऐड किया जाए ना, तो यहाँ जो है वही सेम यहाँ है, एलसीएम इतना हो जाएगा ना, तो ऊपर इतना प्लस इतना कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 + 2 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 1 + 2, तो चलिए मिटाना पड़ेगा इधर, तो देखो 1 + 2 ऐड करें ना, तो 1 का LHS I है तो I हो गया, और 2 का LHS I है, हम लोग कैसे ऐड करते हैं ना, LHS LHS एक साथ, फिर 1 का RHS जो है वो 0 to π/2 साइन क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स, प्लस फिर 2 का RHS क्या है, 0 to π/2 और कॉस क्यू एक्स डी एक्स, नीचे में कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स आ गया। अब देखो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। अच्छा आपको पता है ना, इसका भी लिमिट 0 से π/2 है, इसका भी लिमिट 0 से π/2 है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं ना, 0 से π/2, तो कितना हो जाएगा ना, साइन क्यू एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, अब प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, और यहाँ हो जाएगा ना कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स डी एक्स, ध्यान दीजिए ना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सेपरेट करेंगे तो यही आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब क्या आएगा ना, 2i 0 to π/2, यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, एलसीएम तो क्या हो जाएगा ना, साइन क्यूब एक्स प्लस सेम है, जैसे 2 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है, वैसे यहाँ यहाँ दोनों सेम है, तो एलसीएम यही हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 1 × sin³x कितना आएगा ना, sin³x, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो cos³x, और यहाँ dx, तो हम लोग देखेंगे ना, ये जो नीचे है वही ऊपर है, तो कैंसिल हो गया ना, तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये कैंसिल हो गया तो ओनली dx बचा, ओनली dx बचा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इधर 2y इज इक्वल टू dx का x हो जाएगा, और ये अपर लिमिट π/2, नीचे 0, हम लोग इधर आ जाते हैं ना, तो 2y इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2, यहां से i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो पाई अपॉन, तो इसको लिखिए, बस यही जो की कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है वो हर एक जगह लगेगा, तो उसको सेट कीजिए कि कैसे किया जा रहा है, उसको बार बार देखिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होमवर्क था वो था 0 to π/2
रूट सॉरी ए था, 0 टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स अंडर स्क्वायर रूट डीएक्स। यहां भी देख रहे हैं हम कि 0 टू ए है, तो 0 टू ए है तो सबसे पहले रफ में क्या करना है कि अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटाना है, तो चलो घटा रहे ना अपर लिमिट, तो ए माइनस एक्स हो गया ना, अपर अपर ए था एक्स को, यहाँ देखो एक्स घटाया गया नीचे में, फिर क्या हो जाएगा ना ए माइनस एक्स, और यहाँ फिर ए था और किसको एक्स को घटाना है ना, तो एक्स को घटाइए तो ए माइनस एक्स, केवल एक्स को वेरिएबल को घटाना है, तो यहाँ ए हो गया ना एक्स को घटाना है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, अपर में ए है तो ए माइनस एक्स, क्या आएगा ए माइनस एक्स नीचे में ए माइनस एक्स प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया ना, ये आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो यहां आया वो क्या यहां है क्या, तो देखो तो जो यहां है वो यहां नहीं आया और ना ही इसमें माइनस लगा हुआ आया, यदि वही आ जाता तो जो अभी लिख के मिटाया ऊपर वाला प्रॉपर्टी लग जाता, अगर जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें माइनस लगा हुआ यहाँ आ जाता तो डायरेक्ट जीरो हो जाता, बट ना ही वही आया ना ही इसका निगेटिव आया, तो हम लोग क्या करेंगे ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग आई ले लेंगे, क्या ले लेंगे आई ले लेंगे, और इसको एक नंबर इक्वेशन ले लेंगे और हम लोग फिर जीरो टू ए और प्रॉपर्टी लगा देंगे ना ये में से घटाकर, और यहां जो है प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, क्या था प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको लिख लेंगे ताकि दिखेगा कि हम लोग क्या क्या किए क्या लगाए, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 टू ए और यहां हो जाएगा ए माइनस एक्स, और यहां भी तो वही होगा ना ए माइनस एक्स, और ये कैंसिल हो गया, बट यहाँ आया हुआ है देखो दोबारा मेहनत नहीं, जो आया है उसको यहाँ लिखेंगे, वही काम करके चेक किए थे ना, बट यहाँ दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे करके लिख देंगे, ठीक हो जाएगा टू। अब फिर वही कहानी, वन प्लस टू को ऐड कीजिए, तो वन प्लस टू को ऐड कीजिए तो इधर आई है और यहाँ आई है, कितना हो जाएगा टू आई, और जीरो टू ए है तो जीरो टू ए यहाँ है रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक अंडर स्क्वायर रूट प्लस, और सेकंड का हम लोग देखेंगे ना आरएचएस में क्या है, तो जीरो टू ए और ए माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और यहाँ डी एक्स, तो ऐड हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, जीरो टू ए है जीरो टू ए है, तो इधर तो टू आई होगा ना, इधर टू आई, हम लोग दोनों को एक लिमिट के अंदर लिख सकते हैं, तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, क्या आ गया ना, याद देखिए स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर ए माइनस एक्स और यहां रूट के अंदर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और डी एक्स। अब इधर तो टू आई हो गया ना, अब हम लोग इसका एलसीएम लिए तो देखो क्या होगा, दोनों सेम है तो एलसीएम हो जाएगा ना रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस एक्स, और यहां भी हो जाएगा, हम लोग ऐड करो इसको तो ये कैंसिल हो गया, इधर आएगा ना टू आई इज इक्वल टू जीरो टू ए टी एक्स, यहाँ आएगा टू आई इज इक्वल टू और ये एक्स हो जाएगा और यहाँ ए जीरो, यहाँ टू आई इज इक्वल टू डालो कितना हो जाएगा ए माइनस जीरो, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू ए बाई टू ए बाई टू, लिखिए इसको, ये होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन था,
और होमवर्क में थर्ड क्वेश्चन जो था उसको करते हैं। क्या था थर्ड क्वेश्चन? क्वेश्चन जो थर्ड था 0 to π/2 ये 0 से π/2 आप लगा लो, उसमें मिसिंग था उसमें। तो यहां देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 0 to ही प्रॉपर्टीज पे, तो वही अपर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, डायरेक्ट करो π/2 − x, यहां हो जाएगा ना cos x। अब थोड़ा जल्दी करेंगे फिर π/2 − x, तो कितना हो जाएगा ना यहाँ cos x, और फिर यहाँ π/2 − x, यहाँ कितना हो जाएगा sin x। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, देखेंगे कि जो यहाँ है वो नहीं आया, जो यहाँ है उसका निगेटिव भी नहीं आया, कोई दूसरा आ गया। तो कोई दूसरा आ गया तो आई लेकर और एक नंबर इक्वेशन बनाएंगे इसको, और फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 to π/2 sin π/2 − x और sin π/2 − x + cos π/2 − x। क्या आएगा बताओ? अरे जो आया है ना चेक करने पे वही आएगा, तो cos x, यहां भी आएगा cos x और यहां आएगा sin x। ये हो गया 2 नंबर। और यहां आप लिखो कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किए, 0 to a f(x dx) इज इक्वल टू 0 to a f(a − x dx)। क्या हो जाएगा? ऐड कीजिए ना, ऐड कीजिए, यहाँ तो जगह है ही, अभी यहाँ तो जगह बचा हुआ है, तो 1 + 2 ऐड करें। तो देखो यहाँ आई और यहाँ आई, 2 आई। और देखो आपको पता है ना कि ये एक अलग लिमिट में है, ये एक अलग लिमिट में होगा, फिर दोनों का लिमिट सेम है, तो हम लोग एक ही बार में क्यों नहीं लिखे ना। अब तो कुछ कुछ हो गया ना हम लोगों के पास, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग पूरा डिटेल कर रहे थे, तो 0 to π/2 हो गया और दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का लिमिट क्या है, सेम है। फिर यहां cos x और यहां हो जाएगा sin x और dx। क्या हो जाएगा बताओ? यहां हो जाएगा 2i, और हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं ना तो दोनों सेम है, sin x√cos x, एलसीएम हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा ना sin x, और प्लस यहाँ हो जाएगा cos x और dx, और इससे कैंसिल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा ना, इधर 2i कैंसिल हो गया तो ओनली dx बचा इधर। अब इधर x हुआ ना, इधर क्या हुआ, x हुआ, तो π/2 to 0, तो π/2 − 0 कितना, π/2, 2 से डिवाइड कीजिए π/4। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम का आंसर π/4 आ रहा है, तो लिखिए इसको। अब आपका होमवर्क हो जाएगा एक क्वेश्चन, 0 to π/2 sin³/3/2x और यहाँ cos³/3/2x + sin³/3/2x और यहाँ dx।
अभी जो बनाएगा ना, अभी जो बनाएगा साइन क्यूब एक्स, यहाँ पावर क्यूब नहीं है, 3/2 है, सेम बनेगा। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आप इसको करोगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 0 to π/2, 0 to 1 होगा, 0 to 1, 0 to 1, और यहाँ एक्स इंटू 1 - x^(mdx). एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वही हम लोग देखेंगे। 0 to a है, हम लोग देख लेंगे ना 0 to a प्रॉपर्टी, तो वही सेट करो 0 to a वाला प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसमें से वेरिएबल घटाओ, तो अपर लिमिट 1 है, तो इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा ना, 1 - x। फिर यहाँ 1 है तो 1 हो गया, फिर x को 1 - x, अब पावर में n है तो कितना हो जाएगा ना, 1 - x, और यहाँ कितना, 1 - 1 कैंसिल हो गया, +x^(n). तो देखो क्या आया ना, ना वही आया और ना ही उसका निगेटिव आया, यहाँ 1 - x^(n) है बट यहाँ x^(n) आ गया। तो क्या करेंगे, 1 हो गया, यहाँ प्रॉपर्टी लिखिएगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। हाँ लिखना होता है बगल में। चलो क्या हो जाएगा ना, i = 0 to 1, और हो जाएगा 1 - x, और 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा ना x^(n), कितना, अरे 1 - 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस, x^(n), इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x^(n) dx। अब देखो यहाँ टाइप चेंज हो गया, आपको बताया गया था कि 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को ऐड करना है, कब ऐड करना है, कि जब वेरिएबल कैंसिल हो जाए और इंटीग्रेशन इजी हो जाए। बट यहाँ अगर हम लोग ऐड करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन और टफ हो जाएगा और कुछ कैंसिल भी नहीं होने वाला है, तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ऐड कर देंगे, वैसे अगर ऐड कीजिएगा भी तो आपको दिखेगा, अगर एग्जाम में इनकेस अगर आप ऐड जैसे करेंगे ना तो आपको दिखेगा, करें हम तो और फंस गए। तो ऐड उसी केस में करना है कि जब इंटीग्रेशन इजी दिखे, या कुछ कैंसिल हो जाए या इजी हो जाए। तो यहाँ ऐड नहीं करेंगे, जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाए हैं ना उसी से आगे बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई करो 1 में x, x^(n), और इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो n+1 dx। और मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई तो हो गया। अब चलो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x^(n) का, x^(n+1) अपॉन n+1 माइनस, इसका x^(n+1), तो इसका हो जाएगा ना x^(n+1) में 1 ऐड करेंगे तो n+2, और नीचे भी n+2, और वैल्यू होगा 0 to 1, लिमिट होगा 0 to 1। अब चलो 1 हम लोग रखते हैं, तो वेरिएबल के जगह 1 रखते हैं, बहुत बचे, n के जगह रखेगा नहीं, वेरिएबल x है ना, तो 1 का पावर n+1, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। फिर 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। इस प्रॉपर्टी को मिटा रहा हूं, अपना से भी इसको आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ना, एलसीएम n+1 n2 n+2। इससे डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा n+2, और इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा n+1।
तो क्या हो जाएगा ना, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू, एन एन कैंसिल हो गया, टू माइनस वन वन हो गया, और यहाँ एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू। लिखिए इसको, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्वेश्चन रहे। अभी आपको एनसीईआरटी से ही आज का क्लास कराया जा रहा है, आप सीखो तो कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, क्लियर हो जाएगा, फिर आपका स्टैंडर्ड ऊपर किया जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन ले लिया जाए 0 to 2 और एक्स इंटू टू माइनस एक्स डीएक्स, यहां भी हम लोग देखेंगे, यहां देखेंगे क्या आया, 0 to a है तो वही 2 में से घटाइए, 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, जहां x है और अंदर में यहाँ 2 है, फिर x की जगह 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ना 2 माइनस एक्स, और 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस मिलकर प्लस आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है ना वही आ रहा है ना इसका नेगेटिव आ रहा है, तो बस सेम कहानी, इक्वेशन नंबर 1 बनाना है इसको, तो आई लिखना है और यहाँ सॉल्यूशन डाल दो, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और 0 to 2 ये हो जाएगा ना 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस 2 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ प्रॉपर्टी डाल देना, अब तो तुम लोग डाल लोगे खुद से, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, इतना हो गया। यदि इसको इसको ऐड किया जाए ना तो फिर कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, आप ऐड करके देखो, जैसे यहाँ है एक्स 2 माइनस एक्स है और यहाँ 2 माइनस एक्स, इसमें कुछ ऐड होने वाला है नहीं, हो ही नहीं पाएगा, और लेंदी बन गया, जिसको बनाने चले थे वो फिर आ गया, हाँ यहाँ आ गया, जिसको बनाने चले थे वो फिर आ गया, और एक्स्ट्रा ये भी आ गया, तो देखना है कि कहाँ ऐड करना है, जहाँ इजी हो जाए वहीं ऐड करना है। तो चलो हम लोग आगे इसको ले चलेंगे ना, प्रॉपर्टी तो यूज कर दिए, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 बाहर हो गया और 0 to 2 ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स, माइनस 0 to 2 और यहाँ x का पावर हाफ है और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 3/2 ऐड हो गया ना। चलिए वैल्यू इंटीग्रेट कीजिए, तो हो जाएगा x का पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ 2 0, और यहाँ हो जाएगा ना x का पावर 5/2 और यहाँ हो जाएगा 5/2। तो ये तो ऊपर ये जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, और यहाँ एक्स का पावर 3/2, 2 2 0, और ये बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5, एक्स का पावर 5/2, 2 2 0। तो चलिए वैल्यू डालते हैं, 4/3 ये हो जाएगा 2 का पावर 3/2, और यहाँ 0 का पावर कुछ भी 0 ही होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 5/2 और 0 डालेंगे तो 0 ही होगा, क्या हो जाएगा 4/3 2 का पावर 3/2 माइनस 2/5 2 का पावर 5/2। एक काम करें हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2√2, देखो सॉल्व करो, हाफ और 1 3/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 2√2।
टू रूट टू, इसको सॉल्व करो यही आएगा। और ये कितना आएगा, ये पावर कर दो, यहाँ टू है और हाफ है, यहाँ पावर कितना टू है और यहाँ हाफ है, तो टू प्लस हाफ 5/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है सोल्व करने का, ये सब तो आप पढ़े ना 7-8 में। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 8/3 रूट टू माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8/5 रूट टू। तो इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर आई इज इक्वल टू, इधर आई आ रहा है ना, इसमें से क्या कमन कर सकते हैं ना, कमन कर सकते हैं, 8 है और रूट टू है, तो 8 रूट 2 हम लोग कमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ना 1/3, और यहाँ 8 रूट 2, तो क्या हो जाएगा ना 1/5, 8 रूट 2 15 हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 3 8 रूट 2, और ये कितना हो जाएगा ना 2/15, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 16√2/15। तो इसको लिखिए, आप देखिए कि कैसे किया जाता है, ऐड करने से पहले एक बार देख लेना है कि हम लोग ऐड करें कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं अगर कैंसिल हो रहा है तो फिर ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टू पाई, 0 to π x/(1+sin x), x/(1+sin x) dx। फिर देख रहे हैं ना क्या लिमिट क्या है, 0 to a है, तो फिर वही सेम कहानी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट से इसको सब्ट्रैक्ट कर कर देखना पड़ेगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, π-x यहाँ हो जाएगा ना, π-x, और यहाँ 1 है तो 1 हो गया, और फिर यहाँ x है तो π-x। अब यहाँ क्या आएगा ना, π-x और 1+, अब देखो ये सब पता होना चाहिए, ट्रेगो साइन π-x, तो ये होता है ना π/2, और ये होता है पाई, तो पाई में से कुछ कम है, मतलब पाई से कुछ कम है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, और पाई 2π में चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन ही हो जाएगा, और x है तो x हो गया। तब लोग फिर देखे कि जो यहां है वो नहीं आया, और ना ही जो यहां है उसका निगेटिव आया, तो हम लोग उसको एक नंबर इक्वेशन बनाएंगे। अरे आगे कुछ क्वेश्चन वैसा भी करा दिया जाएगा कि जिससे आपको सेम सेम आ जाए या उसका निगेटिव आ जाए, अभी तो हम लोग एक टाइप का ही ना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां हम लोग आई कर लेते ना, अभी हो जाएगा 0 to π π-x और 1+sin π-x और यहाँ dx, और प्रॉपर्टी लगाइए, यहाँ लिखिए 0 to a f(x dx) इज इक्वल टू 0 to a f(a-x dx), इधर नीचे ही लिख दे रहा हूँ ना, जगह बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 to π π-x 1+ सेम आ जाएगा ना sin x। तो एक टेक्निक भी मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, कि आपको किस केस में आप समझेंगे कि ऐड होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा, जिस केस में नीचे वाला सेम आ जाए घटाने के बाद उसमें ऐड हो जाता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है सेम आ जाए घटाने के बाद उसमें ऐड हो जाता है, नहीं तो ऐड करके भी आप देखिएगा कैंसिल पक्का होने वाला है। तो यहाँ 1+sin x है, यहाँ भी 1+sin x है, ये टेक्निक है। तो यहाँ हम ऐड करते हैं ना, यहाँ ऐड तो 1+2, यहाँ देख रहे हैं 0 से π, 0 से π सेम सेम है ना, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो इधर हो जाएगा ना 2i 0 to π, और यहाँ हो जाएगा ना x+1/sin x, और यहाँ हो जाएगा ना π-x/1+sin x dx।
तो यहाँ क्या आएगा ना, 2i 0 to π ऐड कीजिए, सेम सेम ना एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन x। और ऐड कीजिए तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस पाई माइनस x, तो ये कैंसिल हो गया। 2i इज इक्वल टू, देखो पाई बचा ना, पाई बाहर कर सकते हैं ना, 0 to π, और यहाँ हो जाएगा ना 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। अब देखो तो इजी आ गया ना, इधर जो था x अपॉन समथिंग था, यहाँ तो ऊपर हट गया, तो उससे तो इजी आ गया ना। अरे पूरा कैंसिल नहीं हुआ बट इजी तो आया। तो आप कैंसिल वाला भी केस देखे और इजी वाला भी केस देखे, और कहाँ ऐड नहीं होता है वहां भी देखे। अरे यहाँ क्यों ऐड किए बताए ना, आपका सेम डिनोमिनेटर है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो कैंसिल हो जाएगा नहीं तो इजी हो जाएगा। तो कैंसिल नहीं हुआ बट इजी तो हुआ, इजी हो गया। अब चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to π 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था, अगर ये नहीं रहे ना, ये नहीं रहे इनडिफिनिट में, आपको बताया गया था कैसे सोल्व करते हैं, तो प्रॉपर्टी यूज हो गया है, तो हो जाएगा 2i। हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 माइनस साइन x इसके कंजुगेट से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन x कंजुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है ना, 2i इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा 0 से π 1 माइनस साइन x, और ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जगह बचा हुआ है, ध्यान देना पड़ता है ना कि ऐसा नहीं कि लिखा जाए और आपका वीडियो से बाहर चला जाए, 0 to π। अब चलिए इसको अलग अलग सेपरेट कीजिए, 1 अपॉन cos² x कितना हो जाएगा ना, sec² x, और sin अपॉन cos² x, तो साइन एक नीचे मिलके cos 10 हो जाएगा, और एक ऊपर जाके sec हो जाएगा, और ये हो जाएगा ना dx। अब तो मिटाना पड़ेगा, तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिखो, मिटा रहे इधर हम। तो क्या हो जाएगा ना, 2i इधर है पाई, और हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो चाहे एक ही में कर लो इंटीग्रेट डायरेक्ट, sec² x से कितना हो जाएगा, sec² x का हो जाएगा ना 10x, तो 0 to sec² x का हो जाएगा ना 10x, और sec x into 10x कितना हो जाएगा, sec x। हाँ sec x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 10x into sec x का, तो अब देखिएगा sin cos 10 cot 10 का sec² x, cos का cosec² x, और किसका, sec का sec x into 10 x, तो sec x into 10 x का sec x हो जाए। हाँ इसका देखो, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए या कभी मेमोरी काम नहीं करे तो आपको उल्टा सोचना है, आपको बताया गया था जैसे यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक एक्स माइनस हो जाएगा सेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा ना 0 to π। अब यहाँ हो जाएगा ना 2i इज इक्वल टू पाई, और वैल्यू डालिए तो ये हो जाएगा 10π माइनस सेक पाई, और ये हो जाएगा 10 0 माइनस sec 0। अब ये हो जाएगा ना 2i, आपको बताया गया था 10 n π 0 होता है,
टेन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है, और कॉस एन पाई क्या होता है ना, माइनस वन का पावर एन। अगर हम कॉस पाई का वैल्यू निकालें, कॉस पाई तो यहाँ वन है ना, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो माइनस वन का पावर वन कितना हो जाएगा, माइनस वन। और इसी का उल्टा होता है ना सी, तो माइनस वन को हम लोग वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस वन ही होगा ना, तो माइनस वन और ए मिलके प्लस वन। और फिर माइनस और टेन जीरो तो जीरो होता है ना, और फिर अब पता कर लो कॉस जीरो क्या होता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, उसको हम लोग उल्टेंगे तो वन ही होगा, तो क्या हो जाएगा ना, टू आई इज इक्वल टू पाई, जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन, और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो वन वन टू हो गया, टू आई इज इक्वल टू टू पाई, टू टू कैंसिल हो गया ना, तो आई इज इक्वल टू पाई। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखिए आप। और आपका होमवर्क रहता है, आपका होमवर्क रहता है, ये क्वेश्चन आपको तो दिया गया था ना, ये क्वेश्चन, हाँ आपको ये क्वेश्चन दिया था ना कल, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर हम लोग पाई बाई फोर निकाले हुए थे, और बताया गया था कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी इसको सोल्व कीजिए। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हो, बोले हैं क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी फाइव बाई फोर आ रहा है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है। और एक क्वेश्चन अभी लिखा गया ना, जीरो टू पाई बाई टू साइन थ्री बाई टू एक्स कॉस थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन थ्री बाई टू एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना है। और आपको बनाना है ना, तो सॉल्यूशन देकर नहीं बनाना है, अपने से बनाना है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बनेगा बट ट्राई जरूर मारना है। एक क्वेश्चन और ले लो आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स। और एक और क्वेश्चन ले लो, जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको आप वेरीफाई कर लो कि इसका आंसर बिना प्रॉपर्टी का आ रहा है कि नहीं। पाई बाई फोर प्रॉपर्टी वाला तो हम करा दिए, और ये तीनों को प्रॉपर्टी से सोल्व कीजिए। और आप अगर एनसीईआरटी बुक से देखोगे तो 7.11 का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो अभी सिखाया जा रहा है ना, तो एनसीईआरटी से ही कराया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास होगा तो और कुछ प्रॉपर्टी, जो अभी तो हम एक प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन किए, दो तीन प्रॉपर्टी पे करने के बाद हम लोग अपना स्टैंडर्ड अप कर लेंगे तो हो जाएगा। बट आपको याद जरूरी है कि वीडियो देखने के बाद आप कोई भी बुक से आप जीरो टू ए मतलब जीरो टू समथिंग प्रॉपर्टी सॉरी लिमिट वाला क्वेश्चन आप बनाइए, बनाना जरूरी है, बनाइएगा तब आगे आपको अच्छा से समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।